हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं अपनी जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 6 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है इस शेयर में। 190-95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और चलिए जानते हैं क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल्स हैं डिविडेंड के साथ, मतलब रिजल्ट आया, रिजल्ट के साथ डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तो रिजल्ट कैसा रहा वो भी जानना जरूरी है। उन सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको स्टॉक्स की तरफ। श्री कलस्थी पाइप्स लिमिटेड नाम है इसका। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें कई बार इन्वेस्टेड थे, कभी बाहर निकल गए, अभी कुछ सेलिंग भी देखने को मिली थी शेयर में। तो ये मेजरली जो काम करता है, डक्टाइल आयरन पाइप्स का काम है, DI पाइप्स इनको कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 900 करोड़ का है, 361 का डेट भी है। सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा। 252 का बुक वैल्यू है, 193 का प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% और सेल्स ग्रोथ 12% के आसपास की है पिछले 3 साल का एवरेज। अर्निंग पर शेयर आपको बहुत बढ़िया लगेगा इस करंट प्राइस के हिसाब से। प्रमोटर होल्डिंग 47% के अराउंड है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब इसका अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 2016 में 155 करोड़ था और उसके बाद कमी देखने को मिली है प्रॉफिट। और इस बार का प्रॉफिट कितना है वो देखना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं सबसे पहले डिविडेंड की तरफ। डिविडेंड अगर देखें तो कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, वो आप खुद देखिए। 6 रुपये का डिविडेंड इस बार दिया है, चलिए बढ़िया बात है। 60% होता आता है ये। कई बार व्यूअर्स पूछते हैं कि परसेंटेज किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है। जो कहते हैं ना 1800% डिविडेंड, तो वो सब फेस वैल्यू पे होता है। अब फेस वैल्यू 1 रुपया होगी तो आप कितना भी परसेंटेज बढ़ता रहेगा, वही चीज़ है। जैसे इसका 6 रुपये है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू होगी। आप खुद देखिए कितनी है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। तो ये तो रहा डिविडेंड। अगर आप देखें इसका प्रीवियस डिविडेंड, पिछले साल भी इसने मात्र 6 रुपये का डिविडेंड दिया था, उससे पिछले साल भी 6 रुपये का दिया था। तो पिछले 3 सालों से लगातार 6-6 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। लेकिन श्रीकलस्थी पाइप में अगर आप देखोगे, इस रिजल्ट के बाद भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। तो मतलब मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर खुश नहीं थे इस रिजल्ट से, जो 5-6% का गिरावट देखने को मिला और शेयर 193 पे आके बंद हुआ। आप ये देखिए, ये रिजल्ट कल ही यानी कि 8 मई को आया है, दिन में आया था। और ये देखिए टोटल इनकम इसकी देखा जाए तो ये सारी फिगर जैसे लैक्स में, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। 421 करोड़ की टोटल इनकम इस बार हुई, जो कि पिछले क्वार्टर में 406 करोड़ की थी एंड लास्ट ईयर मार्च में 374 करोड़ की थी। और वही पूरे साल का लेखा देखा देखा जाए तो 1631 करोड़ से घट के 1609 करोड़ टोटल इनकम हुई है। और वहीं पर हम प्रॉफिट पर अगर नज़र डालें तो प्रॉफिट 36 करोड़ का प्रॉफिट इस बार हुआ है। पिछली बार ये 31 करोड़ का था यानी कि पिछले क्वार्टर में, और लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में ये 34 करोड़ का था। तो मामूली सा जंप प्रॉफिट में देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन पूरे साल का अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट 147 करोड़ से घट के 117 करोड़ हो गया। यही वो कारण है जिसकी वजह से शेयर में गिरावट आई, और शेयर की गिरावट आप खुद देख लीजिए कितनी गिरावट आ चुकी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब 2015 से शेयर ने बहुत बढ़िया मतलब काम किया था, लेकिन अब इसने अपने जो है नए नए सपोर्टों को तोड़ा जा रहा है, तोड़ते जा रहा है। अब उम्मीद है यही सपोर्ट 160 के लेवल पे फिर से आ सकता है इस रिजल्ट के बाद। ये देखिए 160 के लेवल पे, और 160 का लेवल पर अगर आप देखो ये इसका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन हम अभी ये नहीं कहेंगे कि ये सपोर्ट काफ़ी होगा, क्योंकि रिजल्ट तो नीचे है, उससे निचला। जब ये स्टार्टिंग में आया था 2015 में तो 60-70 की रेंज है, तो 60-70 की रेंज तो आप ये देखें कि एक बड़ा स्टॉक ज़रूर है ये। बड़ा नहीं, मतलब कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक ज़रूर है। श्रीकलस्थी पाइप्स लिमिटेड इसका नाम है। यहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपको इसका दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से देखिए। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की होल्डिंग है, 15 FII की होल्डिंग है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड मेजर प्रोमोटर है इसका, और IEPF की भी होल्डिंग इसमें है। और नेगेटिव बात, 31-32% प्रोमोटर से होल्डिंग जो है गिरवी रखी हुई है। तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ मुझे लगी इस शेयर में। तो हमने बात करी यहाँ पे श्री कलस्थी पाइप की, जिसका रिजल्ट आया है, 6 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा जिसकी वजह से शेयर के में गिरावट देखने में को साफ साफ मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।